क्या आपको पता है खिलौने वाला ड्रोन उड़ाने से आप जा सकते हैं जेल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक खिलौने वाला ड्रोन उड़ाने से कैसे कोई जेल जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे और दोस्तों हम जानेंगे कि भारत में ड्रोन उड़ाने के क्या नियम हैं। आजकल आप टीवी और यूट्यूब पर देखते होंगे कि लोग कैसे ड्रोन के मदद से वीडियो शूट करते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलौने की तरह दिखने वाला यह ड्रोन आपको जेल भी पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक खिलौने वाला ड्रोन आपको कैसे जेल पहुंचा सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ड्रोन को उड़ाने के लिए भारत में जो नियम बनाए गए हैं वो सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, और कोई इन नियमों को माने बगैर अगर ड्रोन्स उड़ाता है तो वह कानूनी पछड़ों में फंस सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है वो नियम जिन्हें भारत में ड्रोन उड़ाते समय मानना पड़ता है। वैसे ड्रोन्स जिसका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच है और वह ड्रोन कैमरा ऑपरेट करते हैं तो उन्हें उड़ाने के लिए कम से कम पुलिस की परमिशन की ज़रूरत होती है, और जिनका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा होता है या फिर 200 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं उन्हें लाइसेंस के साथ साथ पुलिस परमिशन और कई मामले में DGCA की परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के लिए पहले DGCA का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपका नाम, कंपनी का नाम, किस लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों फोटो या वीडियो चाहिए, ड्रोन कैमरा की डिटेल, ड्रोन की कंपनी, कब ड्रोन उड़ाया जाएगा, ये सभी डिटेल्स देनी होती है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि ड्रोन उड़ाने के लिए क्यों इतना सख्त नियम बनाए गए हैं। इसका सबसे पहला कारण, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ड्रोन को गैर सरकारी कामों के लिए बैन किया था, वो ये था कि सरकार को लगता था कि ड्रोन्स आतंकी गतिविधियों में बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। भारत जैसे देश में जहां कई जगह सुरक्षा में कमी देखी जा सकती है, वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, भारत जैसे देश जहां लोग बहुत ज़्यादा हैं और जगह बहुत कम है, वहां लोगों की प्राइवेसी ड्रोन के खतरे में पड़ सकती है। यहां उड़ाने वाले कैमरे का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब तक सरकार इसके ठोस नियम और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा नहीं तय कर देती, इसका आम लोगों के लिए इस्तेमाल थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।